जा रहे हैं। सीएनजी के लिए रुके हैं, इसके बाद सीधे जाते हैं बिसलपुर। बिसलपुर की तरह कोई और सीएनजी पंप नहीं मिलती है। हेलो, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है, पीला पीला, बहुत सरसों होती है साइड। पिरामिड वाला पहाड़ भी दिख रहा है, इल्लुमिनाटी कंफर्म्ड। हम डैम के पीछे जा रहे हैं। पाएंगे यहाँ पे क्रॉस? चलो सही है, सही है।
बंदर, लेकिन ध्यान रखना सामान का। बहुत अच्छी जगह है, डैम के ऊपर पहुंच गए हैं। एकदम खाली है डैम पे। बहुत ही सही लग रहा है यहाँ, बहुत ही सही है, बहुत शांत है। ऐसा थोड़ा हल्का सा ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा है। सनसेट बहुत अच्छा दिख रहा है, शायद ज़्यादा एक्सपोजर होगा, मैं कोशिश करती हूँ दिखाती हूँ। ये देखिए पहाड़ बहुत दूर है, एक आइलैंड भी है, और दूसरे एंड पे ये देखो एक और मंदिर है, बहुत अच्छा। वापस जाते हैं बोर्डिंग करने के लिए। भैया हमें बूस्टिंग स्टेशन दिखाने ले जा रहे हैं। यहाँ से 4 डिस्ट्रिक्ट में पानी सप्लाई होता है, जिसमें अजमेर और जयपुर भी शामिल है। गजब हवा चल रही है, पूरी समंदर वाली फीलिंग आ रही है। 2 बजे तक चलेगी गुरु वापस, 10 से 2 रात भर चलती है। बाथरूम्स ठीक ठाक है। रावण इस मंदिर में शिव जी की पूजा करता था। पकड़ लिया ये,
पहुंच गई है, लेकिन यहाँ तो अंधेरा है। अंदर चल के देखते हैं। मछली बहुत अच्छी दिख रही है। ये समुद्री फिश है। अच्छा, ये पिराना है, बॉलीवुड मूवी बनी हुई है इस पे। हाँ, ये मांस खाती है। मांस खाती है। कौन सी फिश है ये? गोरामिस। मेरी फेवरेट फिश ये है, बहुत क्यूट मुंह है, चाइनीज हाइब्रिड है। अच्छी जगह है, यहाँ भी रुक सकते हैं, लेकिन हमारा रिजर्वेशन ऑलरेडी है टोंक में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।